एग्जाम्पल नंबर एट, यहाँ पर अपने को मिस्टर एक्स की टोटल एसेट्स दे रखी है 20 लाख रुपए की, और वो 20,000 रुपये यानी उनकी जो, चलो पहले मिस्टर एक्स को समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स एक मेडिकल की शॉप चलाते हैं, और ये जो शॉप है ये रेंट पे ले रखी है इन्होंने, और अब ये शॉप इनका जो मालिक है दुकान का, वो कह रहा है कि ये शॉप आपको खाली करनी पड़ेगी, और दुकान का जो मालिक है वो वहाँ पर मेडिकल शॉप खोलेगा। तो यहाँ पर अप्पू का कहना ये है कि मैं मेडिकल पहले से चला रहा हूँ, अब आप मुझे खाली करा कर मेडिकल खोलेंगे तो आपको मेरी गुडविल का फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे गुडविल का पैसा चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, किराए का है, दुकान किराए की है। तो उन्होंने अपनी कुछ डिटेल दी है अपने को कि उनको साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है वो 150 का हुआ है, लेकिन इसमें से उन्होंने 20,000 रुपये तो रेंट और 10,000 रुपये सैलरी, यानी उनके यहाँ एक जना बंदा काम करता है उसको 10,000 सैलरी, और दुकान जो पूरी रेंट पे है किराए पे है उसके 20,000 रुपये चुकाने के बाद उनको 150,000 का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को गुडविल की कितना अमाउंट मिलेगा या गुडविल के बदले कितनी राशि मिलेगी, वही अपने को इस सवाल में पूछा है। तो अपन मिस्टर एक्स की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल अपने को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो बोला गया है उसमें सुपर प्रॉफिट के बेस पर बोला गया है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट अगर अपन निकाले तो उसके लिए अपने को वही 3 प्रॉफिट की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी या 4 प्रॉफिट की। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर FMP, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर इस सवाल में अगर मैं देखूँ तो अभी प्रेजेंट में मिस्टर एक्स को एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 1